नमस्कार, NIOS केस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि सुहाने। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन की आकलन युक्तियां, लिखित परीक्षण। यह शीर्षक पाठ्यक्रम 505 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम से लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिखित परीक्षण हमारे आकलन पद्धतियों का मुख्य भाग है। सामान्यतः आकलन युक्तियों को हम तीन तरह से डिवाइड कर देते हैं, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। लिखित परीक्षण या लिखित परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, सभी स्तरों पर प्रयोग होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी उपयोगिता प्राथमिक स्तर पर कम है या स्नातकोत्तर स्तर पर कम है। डिपेंड करता है कि किस विषय वस्तु पर इसकी आवश्यकता कितनी है। इस प्रकार से लिखित परीक्षा हम हर स्तर पर आयोजित करते हैं। कक्षा 3, 4, 5 में जब हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट शिक्षण अधिगम की अभिन्न प्रक्रिया के साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और उसके साथ अनवरत चलता रहता है। लिखित परीक्षण फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी यूज होता है और समेटिव असेसमेंट में भी यूज होता है। जब हम यूनिट टेस्ट ले रहे होते हैं उस समय भी लिखित परीक्षण करते हैं, और वर्ष में जो दो बार हम समेटिव असेसमेंट करते हैं उस समय भी हम लिखित परीक्षण या लिखित परीक्षा का प्रयोग करते हैं। लिखित परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें विद्यार्थी पेपर पेंसिल के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर लिखता है। यहाँ पर मौखिक कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वह पेपर पेंसिल पर होगा। तो लिखित परीक्षण को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कोई भी प्रश्न पत्र आप देखते हैं तो सामान्यतः उसमें तीन तरह के प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर एक कोई 2 घंटे का प्रश्न पत्र बनाया गया है और 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स के लिए वो बनाया गया है, तो उसमें डिपेंड करता है कि वह किस स्तर के लिए बनाया गया है। हो सकता है उसमें 10 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, 40 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न हो और 50 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न हो। तो ये तीनों प्रश्न मिलकर लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर की सीमा उद्देश्यों तथा विद्यार्थियों की आयु के आधार पर निर्धारित करते हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर की सीमा उद्देश्यों और विद्यार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित करते हैं। हम इन प्रश्नों के माध्यम से क्या जानना चाहते हैं, एक तो एक बात हुई, दूसरी है कि विद्यार्थी की आयु क्या है, उसके आधार पर हम जो शब्द सीमा है वो निर्धारित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः यह शब्द सीमा 50 से 200 शब्दों तक सीमित होती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी छोटे होते हैं और वह इससे अधिक शब्दों में अपने प्रश्न का उत्तर सामान्यतः नहीं लिख पाते। यही यदि निबंधात्मक प्रश्न स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पूछे जाते हैं तो इनकी शब्द सीमा हम 600-800 शब्दों तक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस बात पर जोर दिया है कि लिखित प्रश्न में जो निबंधात्मक प्रश्न है इनकी शब्द सीमा जब भी आप निर्धारित करें तो उद्देश्य और विद्यार्थी की आयु देखकर करें। निबंधात्मक प्रश्नों को निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप निबंधात्मक प्रश्न बनाएं। पहला, प्रश्न में स्पष्टता हो कि किस प्रकार का उत्तर चाहिए। प्रश्न में स्पष्टता हो कि किस प्रकार का उत्तर चाहिए। जैसे ये बच्चे क्लास 3rd, 4th, 5th के बच्चे हैं और अगर आप इनसे को इस तरह का कोई प्रश्न दें कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और 200 शब्दों में लिखिए, अब बच्चा थोड़ा भ्रमित हो जाएगा कि उसको क्या लिखना है इस प्रश्न में। उससे बेटर हो कि आप यह पूछें कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। अब आपने इस प्रश्न को तीन भागों में डिवाइड कर दिया कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण को कैसे होता है और वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए। तो विद्यार्थी को क्लियर हो गया कि उसको इस प्रश्न के उत्तर में क्या देना है और क्या लिखना है। उद्देश्यानुसार समय दिया जाए।
हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं। अब इस प्रश्न को, जो प्रश्न की बात मैं कर रही थी, इसमें तीन भाग हैं और अगर यह 5 नंबर का प्रश्न है तो उनको इसको लिखने के लिए कितना समय दें, 5 मिनट, 7 मिनट, तो वह समय निर्धारित कर लें तो आसानी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे इतना लिखते जाते हैं एक ही प्रश्न को कि उनको दूसरे प्रश्न को लिखने का समय नहीं होता। लेकिन जब हम उनको शब्द सीमा दे देते हैं और प्रश्न को में स्पष्टता होती है तो विद्यार्थी उसको अपने समय पर कंप्लीट करते हैं। तीसरा है कि प्रश्न विद्यार्थी की सृजनात्मकता तथा पहल का बोध कराएं। ऐसे प्रश्नों का निर्माण करें जो कि थोड़ा हटके हों और जिसमें विद्यार्थी कुछ सृजनात्मकता और अपनी बात कह सके। जैसे मान लीजिए पर्यावरण अध्ययन में हमारे एक थीम है वृक्ष, पेड़। वहाँ पर जो सब थीम है उसमें वृक्ष से रिलेटेड अगर आप एक क्वेश्चन उनको दें कि यदि पेड़ चलने लगे तो क्या होगा, इसका आंसर विद्यार्थी अपनी अपनी सृजनात्मकता दिखाएगा, अपनी तरह से सोचेगा, थोड़ा विश्लेषण करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखेगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न हो जो थोड़ा विद्यार्थी को कुछ सोचने पर मजबूर करें, कुछ उनकी विश्लेषण संश्लेषण की क्षमता उसमें आए, ना कि सिर्फ ऐसे प्रश्न हो जिससे कि हमें उनके ज्ञान जो उन्होंने पढ़ा है और जो वो रट कर आए हैं वह लिख सकें। तो ऐसे प्रश्नों से का प्रयोग थोड़ा कम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो हुआ निबंधात्मक प्रश्न क्या है। इसके बाद हम आते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न के गुण क्या होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न तर्क, तुलना, आलोचना, संबंध स्थापित करने, कल्पना आदि मानसिक योग्यताओं की जांच के लिए उपयुक्त हैं। तर्क, तुलना, अगर किसी दो सजीव और निर्जीव में तुलना करना है तो उसके लिए हमें क्या प्रश्न बनाना पड़ेगा, निबंधात्मक प्रश्न। आलोचना, संबंध स्थापित करना, कल्पना, जो अभी हमने एक प्रश्न लिया था ये कल्पना थी कि अगर पेड़ चलने लगे तो क्या होगा, ये सभी ऐसी मानसिक योग्यताओं को मापने के लिए निबंधात्मक प्रश्न उचित होते हैं। समस्या समाधान और सृजनशीलता के विकास में सहायक हैं, जो मैंने अभी पहले आपसे कहा। लेखन कौशल और भाषा शैली के विकास में सहायक हैं। जब बच्चे को 200 शब्दों में अपने प्रश्न का उत्तर लिखना होता है तो उस समय उसका लेखन कौशल, वह किस तरह से प्रश्न को का आंसर लिख रहा है और उसकी भाषा शैली क्या है, किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है, इसके विकास में भी मदद मिलती है। व्याख्या और समीक्षा आदि की जांच के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वह मौका देते हैं किसी बात की व्याख्या करने पर, उसकी समीक्षा करने पर, कोई स्टेटमेंट दिया है किसी ने उसकी समीक्षा करने पर, तो ऐसे प्रश्न मदद करते हैं व्याख्या और समीक्षा के लिए। निर्माण की दृष्टि से सरल है। सामान्यतः जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वह निर्माण की दृष्टि से सरल होते हैं क्योंकि एक प्रश्न पत्र में सामान्यतः 4 या 5 वस्तु निबंधात्मक प्रश्न होंगे और ये निबंधात्मक प्रश्न पूरे जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें से निकालना होता है। तो 5 प्रश्नों का निर्माण करना बहुत आसान होता है और शिक्षक को इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट है समय, धन और क्षमता की बचत होती है। जो समय है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कंपैरिजन में निबंधात्मक प्रश्न में समय कम लगता है, धन भी कम लगता है और शिक्षक की जो क्षमताएं हैं उनकी भी थोड़ा बचत की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारी एफिशिएंसी दिखानी होती है। इस तरह से ये निबंधात्मक प्रश्न के गुण हैं। इसके बाद आती है निबंधात्मक प्रश्न की सीमाएँ क्या हैं। पाठ्यक्रम का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, जो पाठ्यक्रम है उसमें करीब 30 या 25 चैप्टर्स हैं और उन 30 चैप्टर्स में से आपने 4 निबंधात्मक प्रश्न बनाए तो पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं हो पाया। और उसके स्थान पर अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे तो नंबर ऑफ प्रश्न ज़्यादा होंगे। 4 निबंधात्मक प्रश्न 5-5 नंबर के 20 नंबर के हो गए और उस 20 नंबर में आप 4 कॉन्सेप्ट्स को टच कर पाए। उसके स्थान पर एक एक नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा तो आप 20 कॉन्सेप्ट को टच कर पाएंगे। उसके स्थान पर अगर लघुत्तरीय प्रश्न होगा और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं तो आप उस समय 10 प्रश्न बना पाएंगे और आप 10 कॉन्सेप्ट को टच कर पाएंगे। तो इस तरह से पाठ्यक्रम के प्रतिनिधित्व की बात आती है। स्मृति पर अधिक बल, ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वह स्मृति पर आधारित होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। शिक्षक ज़्यादा प्रयत्न नहीं करता
और जो कंटेंट होता है उसको देखकर प्रश्न बना देता है। साधन के स्थान पर लक्ष्य, यहाँ पर हम लक्ष्य ध्यान रखते हैं कि क्या करना है, हमें परीक्षा लेनी है और परीक्षा का एक तरीका निबंधात्मक प्रश्नों से भी हो सकता है, उसको करके हम अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर में अनिश्चितता, सामान्यतः जो प्रश्न होते हैं और उनके जो उत्तर होते हैं उनमें विद्यार्थी के पास फ्रीडम होती है कि वह अपने अकॉर्डिंग उन आंसर्स को लिख सकता है। जैसा एक प्रश्न मैंने पहले लिया था कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण कैसे होता है और वायु प्रदूषण को आप कैसे रोक सकते हैं, तो इसके उत्तर सभी विद्यार्थियों के अलग अलग हो सकते हैं और उनको वह अलग अलग तरह से लिखता है। फिर अंकन में कठिनाई, अब देखिए जब एक ही प्रश्न के उत्तर विद्यार्थियों ने अलग अलग लिखे तो अंकन में कठिनाई तो निश्चित आएगी। फिर है विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता का अभाव, कौन सा छात्र ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन सा छात्र कम अच्छा कर रहा है, ऐसा विभेदीकरण करना निबंधात्मक प्रश्नों में थोड़ा कठिन होता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को 3 या 4 नंबर मिल जाते हैं, तो वहाँ विभेदीकरण नहीं हो पाता क्योंकि कोई प्रश्न का आंसर एकदम गलत हो ऐसा नहीं होता है, और जिसने भी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है तो उसको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं और विभेदीकरण नहीं हो पाता। वस्तुनिष्ठ, जो मूल्यांकन करता है उसका मनोभाव, उसकी इच्छा, वह क्या सोच रहा है, वह क्या चाहता है, वह उसके मूल्यांकन में झलक जाता है और वह वस्तुनिष्ठता वहाँ पर कम दिखाई देती है और विश्वसनीयता का भी अभाव इसमें देखा जाता है। अब जैसा कि कुछ कमियां हैं तो उन कमियों के लिए कुछ सुझाव मैं बता दे रही हूँ जिनको चाहें तो आप प्रयोग कर सकते हैं। फलांकन से पूर्व विद्यार्थी का नाम ना पढ़ा जाए, क्योंकि आपका जो विद्यार्थी के प्रति जो आपका पहले से जो आपका मन है, है ना, आप किसी विद्यार्थी का ना को जानते हैं पहले से, पूरे वर्ष भर उसको पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपका उसके प्रति बायस्ड, कुछ उसके प्रति आपकी पूर्व अवधारणा बन गई होगी। वो अवधारणा लेके अगर आप उसका आंसर या चेक करेंगे तो वह कहीं ना कहीं उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी, तो उचित होगा कि उसका नाम ना पढ़े। निबंधात्मक प्रश्न के विभिन्न पक्षों के लिए पूर्व में ही अलग अलग अंक निर्धारित कर लिए जाएं। जैसे कि मान लीजिए आपने उसी प्रश्न की बात करते हैं कि एक प्रश्न था वायु प्रदूषण क्या है, यह क्यों होता है और इससे को कैसे रोका जा सकता है, और इसमें आपने कह दिया वायु प्रदूषण होने के किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो अब ये टोटल इस प्रश्न के 3 भाग हो गए। पहला प्रश्न भाग के लिए आप 1 नंबर डिसाइड किया, अगर विद्यार्थी वायु प्रदूषण के कारण बताता है तो 2 और नंबर और उनके उपाय बताता है तो 2 और, टोटल 5 मार्क्स। और अगर वह 3 कारण पूछे, 3ों कारण लिखता है तो 2 में से 2 नंबर, उनकी जो वजह है उनको कमी के लिए सुझाव बताता है तो 2 और। तो इस तरह आपने क्या किया, निबंधात्मक प्रश्न के विभिन्न पक्षों के लिए आपने अंक पहले ही निर्धारित कर लिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपने 5 नंबर डिसाइड किए हैं तो आप 5 में से पूरे प्रश्न के लिए 5 डिसाइड किए, अभी आपने उस 5 को भी 3 अलग अलग भागों में बांट लिया। सभी विद्यार्थी के समान प्रश्नों का एक साथ फलांकन किया जाए, सभी विद्यार्थियों के समान प्रश्न, जैसे कि एक प्रश्न है और वही प्रश्न 10 विद्यार्थियों ने लिखा है तो उन 10 विद्यार्थियों की कॉपियां उसी एक प्रश्न को एक साथ चेक कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि विद्यार्थियों का सबका लेवल कैसा है, वो किस स्तर का लिख रहे हैं, तो उससे विद्यार्थियों में पक्षपात होने की संभावना कम हो जाएगी। एक बार फलांकन करने के बाद बिना पूर्ण के योग के दोबारा फलांकन किया जाए, आप पूरा टोटल ना जोड़ें कि कितने टोटल मार्क्स आए हैं, उसी प्रश्न का फलांकन दोबारा कर लें, उससे क्या होगा कि कहीं कुछ कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। इस तरह से यह तो हुए निबंधात्मक प्रश्न। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न वह प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों की उत्तर सीमा सामान्यतः प्राथमिक स्तर पर 10 से 50 शब्दों तक सीमित होती है और भी कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारे प्रश्न क्या हैं। जैसे उदाहरणतः परिभाषित कीजिए ओजोन परत, आसवन, या दूसरा प्रश्न लोग शिकार क्यों करते हैं, कोई 2 कारण बतलाइए, आप कभी टेंट में रहे हैं, कहाँ, कैसा अनुभव रहा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं इनके आंसर सामान्यतः 50 शब्दों में विद्यार्थी दे देता है
और वो छोटे छोटे से आंसर होते हैं और उन प्रश्नों का आकलन करना भी आसान होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की विशेषताएं, काफी हद तक वस्तुनिष्ठता, पूर्णता वस्तुनिष्ठता नहीं है लेकिन काफी हद तक वस्तुनिष्ठता। निबंधात्मक प्रश्न से ये अधिक वस्तुनिष्ठ होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से इनकी वस्तुनिष्ठता कम होगी। तो ये प्रश्न थोड़े छोटे हो गए और इनके आंसर काफी निश्चित हो गए तो इसमें वस्तुनिष्ठता ज्यादा आ जाती है। उत्तर प्रायः निश्चित, छोटे छोटे से उत्तर हैं और वो उत्तर प्रायः निश्चित होते हैं कि ओजोन परत क्या है, इसकी परिभाषा सामान्यतः समान ही होती है, तो उस तरह से इनके उत्तर निश्चित होते हैं। सरलता से विभेदीकरण, हम विद्यार्थी कौन अच्छा कर रहा है और कौन कम अच्छा कर रहा है उसमें विभेदीकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। अधिगम की जांच की अधिक गहराई तक, अधिगम की जांच जो है वो अधिक गहराई तक कर सकते हैं क्योंकि आपने छोटे छोटे प्रश्न पूछे और उसका डिटेल आंसर चाहा है, तो वहाँ पर जो अधिगम बच्चे का हो रहा है उसको आप डेप्थ पता कर सकते हैं कि किस डेप्थ तक बच्चा समझता है। निदानात्मक परीक्षण के लिए उपयोगी, जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं उसके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत उपयोगी होते हैं। इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न की ये विशेषताएं हुई। अब आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तीन तरह के प्रश्न थे, हमने निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा कर ली क्या होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर ली, अब आया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में वे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं, मतलब जिनका उत्तर एक और एक ही होगा वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। इस परीक्षा के माध्यम से अभिज्ञान और प्रत्यास्मरण संबंधी क्षमताओं का आकलन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि दो तरह की क्षमताओं की बात कर रहे हैं, अभिज्ञान और प्रत्यास्मरण संबंधी क्षमताएं। इसके अलावा और कोई क्षमताओं का आकलन हम सामान्यतः लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से नहीं करते हैं। अभिज्ञान जो आप देख के समझ पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और प्रत्यास्मरण जिनको हम याद करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इन प्रश्नों के निर्माण के समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? पहला, सरल और स्पष्ट भाषा हो। जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसकी भाषा कैसी हो, सरल हो, स्पष्ट हो। प्रत्येक प्रश्न स्वतंत्र और पूर्ण हो, ऐसा नहीं हो कि जो चौथे नंबर का प्रश्न है वो तीसरे प्रश्न के ऊपर आधारित हो। हर प्रश्न जब भी लिखा जाए वह कैसा हो, पूर्ण हो और स्वतंत्र हो। निर्देशों का और पूर्ण सही निर्देश दिए जाएं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रश्न पूछा है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न और उसके चार ऑप्शन है आ बा सा दा, तो आप पहले से बता दें कि उनको क्या करना है, उनको आ बा सा लिखना है कि जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है, या सिर्फ आ बा सा दा लिखना है, या टिक करना है, तो ये निर्देश भी आपको देना बहुत जरूरी है। भाषा ऐसी ना हो जो कि अनुमान लगाने को प्रेरित करे। आप ऐसे प्रश्न ना पूछें वस्तुनिष्ठ में कि जो अनुमान लगाने को प्रेरित करे। जैसे कि अगर हम एक ऐसा प्रश्न पूछें कि पृथ्वी वस्तुओं को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है वह कौन सा है, चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन दिए आपने, तो क्या होगा कि उसमें आपने गुरुत्व शब्द पहले ही यूज़ कर लिया, तो जब विद्यार्थी को चार ऑप्शन मिलेंगे उसको तुरंत समझ में आ जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न ना पूछें, कोशिश करें कि ऐसे प्रश्न ना बनाएं तो ज़्यादा उचित होगा। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो दो प्रकार से होते हैं, पहला है अभिज्ञान और दूसरा है प्रत्यास्मरण। अभिज्ञान में चार तरह के आते हैं, सत्य असत्य, बहुविकल्पीय, समानता, मिलान रूप। प्रत्यास्मरण में दो तरह के होते हैं, सामान्य प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति। अभिज्ञान जो ज्ञान है उसी में से आपको जो उसमें दिख रहा है उसमें आपको चॉइसेस अवेलेबल हैं और उस चॉइसेस में से ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है अभिज्ञान में। प्रत्यास्मरण जिसमें आपको स्मरण करना है अपनी चीजों, जो भी आपको याद है उसको फिर से ध्यान करना है कि ये क्या होगा। तो इस तरह से दो कैटेगरी होती हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, अभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। अब हम एक एक करके इनके जो अलग अलग प्रकार हैं अभिज्ञान और प्रत्यास्मरण की, इनकी बात कर लेते हैं। पहला है अभिज्ञान में सत्य असत्य। सत्य असत्य प्रश्न हमने हमेशा ही देखे हैं। जैसे एक प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 90% है, सत्य असत्य। अब विद्यार्थी को क्या करना है,
अभिज्ञान के ऊपर है ये उसके, कि उसको बस पता होना चाहिए, तो उसमें या तो सत्य होगा यह प्रश्न या असत्य होगा। दूसरा है पानी सार्वभौमिक विलायक है, सत्य असत्य। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो सत्य असत्य करना होता है, और उनके पास 50% चांस होते हैं कि उनका प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, तो अब इन प्रश्नों के निर्माण जब आप कर रहे हैं तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात है व्यापक सामान्य कथनों से बचना चाहिए। ऐसे कथन ना दें जहाँ पे कुछ डाउट हो, या फिर जिसमें कहीं पर भी व्यापक भी है पर कहीं उसमें कुछ गुंजाइश भी है कि ये कुछ कहीं पर भी उसका एक अंश हो सकता है कि वो कहीं ट्रू और फॉल्स के लिए सही ना हो। जैसे कि आपने पूछा कि सभी पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं, सत्य असत्य, अब पानी तो नहीं फैलता है, तो ऐसे कथनों से बचना चाहिए। दो नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कहीं पर भी लिखा कि कार्बन के सभी रूप बुरे सुचालक नहीं हैं, आपने बुरा शब्द भी यूज़ कर लिया और नहीं भी शब्द यूज़ कर लिया, तो ऐसे दो नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। बहुत से विचारों और कथनों को एक कथन में नहीं रखना चाहिए, जैसे आपने दो कोई बातें हैं उनको एक कथन में रख दिया, तो ऐसे सत्य असत्य प्रश्न ना बनाए। और जब भी आप पेपर में अगर आपने 5 या 6 सत्य असत्य रखे हैं तो कोशिश करें कि संख्या बराबर हो, 5 में से 2 सत्य हों, 3 असत्य हों, ऐसा ना हो कि 5ों के 5ों सत्य हों, 5ों के 5ों असत्य हों, तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें कि एक कोई कथन होता है और उनके 4 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, पहला एक उदाहरण लिया है कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है, इसमें है नदी, तालाब, समुद्र, वर्षा। तो एक कथन दे दिया है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए हैं, नदी, तालाब, समुद्र, वर्षा। दूसरा दिया है प्रश्न यहाँ कि पापा के भाई को क्या कहते हैं, मामा जी, चाचा जी, दादा जी, नाना जी। तो इस तरह से आपने 4 ऑप्शन दिए। तो जब आप इन प्रश्नों का निर्माण करें तो क्या ध्यान रखें, सबसे खास बात इसमें होती है कि जब इन प्रश्नों के निर्माण के समय जो आपको विकल्प हैं उनका सही चयन करें। ऐसे विकल्प हों कि जो विकल्प, सारे विकल्प जो हैं वो विद्यार्थियों को समान रूप से आकर्षित करें। अगर आपने पानी के मुख्य स्रोत हैं उसमें से नदी, तालाब, समुद्र, वर्षा के अलावा कुछ ऐसे स्रोत लिख देते जो कि पानी के स्रोत हैं ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि विद्यार्थी उसको तो मानता ही नहीं। तो यहाँ पे वो 4 जो ऑप्शन है उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही। तो ये 4 विकल्प हैं वो समान रूप से आकर्षित करना चाहिए। अगली बात है कि इनको किस क्रम में रखा जाए। अगर आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं और 10 प्रश्न हैं और 10ों का जो है वो आ सही है, तो बच्चे को 3-4 करने के बाद उसको लगता है या उसने अनुमान लगा के सभी को ए कर दिया है और 10 में से, तो हो सकता है उसका जो अंकन हो और उसको उसका फ़ायदा मिल जाए। और जो आपका मूल पद है, मूल पद मतलब जैसे आपका इसमें मूल पद क्या है कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है, ये पूर्ण होना चाहिए, कभी भी अपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उनकी बात है। अगला है मिलान। मिलान जो होता है, मिलान रूप, उसमें क्या करते हैं, 2 कैटेगरी हो जाती है, आ और बा। आ में 1 गुणों के शब्द होते हैं, बा में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के शब्द होते हैं, और उनमें से 1 का संबंध दूसरे से होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है पानी, भाप, बर्फ, दूसरी तरफ लिया है उसकी जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो एक तरफ उसकी अवस्थाएं और उसके पानी के विभिन्न रूप हैं, तो यहाँ पर उनके 3ों को एक दूसरे के साथ मैच करना है। अगला है समांतर रूपी। इसमें क्या होता है कि 2 का रिलेशन आपस में होता है और 1 जो तीसरा देते हैं उसका रिलेशन के लिए आप जगह छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर लिया है जामुन, फल, लौकी, --। अब जामुन फल कैटेगरी में आता है तो लौकी किस कैटेगरी में आएगी, ये विद्यार्थी को सोचना पड़ेगा। वो हो सकता है कि इसके साथ उनका ऑप्शन जो दिए हैं उसमें भी 4 ऑप्शन है, आलू, सब्जी, प्याज, पत्ती, इस तरह से हमने उसके ऑप्शन रखे, इसमें से उसको एक चुनना होता है। नीचे दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, रेल की पटरी, बस, --। अब इसके लिए ऑप्शन है सड़क, हवा, पानी, आकाश। तो इसमें क्या है कि जो पहले ग्रुप में है उनका आपस में दूसरा एक रिलेशन है और जो दूसरे ग्रुप में है उनका भी आपस में एक रिलेशन है। तो इस तरह से ये जो अभिज्ञान प्रश्न हुए ये 4 तरह से हुए।
इसके बाद आते हैं प्रत्ययस्मरण प्रश्न। प्रत्ययस्मरण स्मरण के ऊपर आधारित होते हैं। दो तरह के हैं, सामान्य प्रत्ययस्मरण। सामान्य प्रत्ययस्मरण में क्या है कि छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं जिनका एक उत्तर होता है। पंखे के समान किस जानवर के कान होते हैं, प्रशीतकों से कौन सी गैस निकलती है, जलने में कौन सी गैस सहायक है। दूसरे हैं रिक्त स्थान पूर्ति, गुरुद्वारे में होने वाले खाने को डैश 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 कहते हैं। डैश भारत का राष्ट्रीय पशु है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा डैश 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 होती है। तो इस तरह से ये प्रत्ययस्मरण प्रश्न हैं और इनको बनाते समय आपको ध्यान रखना एक जरूरी है वो कि इनके सिर्फ ऐसे प्रश्न दें जिनका सिर्फ एक ही आंसर हो। ऐसा ना हो जिनके 10 आंसर हों, 4 तरह के आंसर हों। ऐसे प्रश्नों से आपको बचना चाहिए। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की? इसमें वस्तुनिष्ठता होती है क्योंकि एक ही आंसर है तो कोई भी चेक करेगा उसका आंसर वही रहेगा। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। अगर आपने 50 नंबर का पेपर बनाया और 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले लिए तो पूरे पाठ्यक्रम है उसका प्रतिनिधित्व करेगा। विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उसके लिए ये उपयोगी होते हैं। व्यवहारिकता होती है और अंकन में सरलता होती है। जब भी अंकन करना होता है तो उसमें क्या है कि कोई भी इसका अंकन कर सकता है, सभी प्रश्नों के एक ही उत्तर हैं और उसकी स्कोरिंग की होती है, उसकी को देख कर कोई भी उसका अंकन करेगा और उसमें वस्तुनिष्ठता होगी। उसकी भी सीमाएं हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी और कुछ सीमाएं भी होंगी। बनाने में बहुत समय लगता है। अब आपको अगर 50 प्रश्न बनाने हैं तो 50 पहले आपके कथन होंगे, उन कथन के 4 आपको विकल्प चुनने होंगे, वो चारों विकल्प ऐसे हों कि चारों विद्यार्थियों को आकर्षित करें, तो उसमें समय बहुत लग जाता है। अभिव्यक्तियों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसमें आपने को मैंने पहले भी बताया है कि लिखा है कि अभिज्ञान और प्रत्ययस्मरण दो चीज़ों का परीक्षण करते हैं। व्याख्या, समीक्षा, सृजनशीलता की जांच के लिए अनुपयुक्त हैं और अनुमान लगाने को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली विद्यार्थी अनुमान लगा सकता है। इस तरह से अभी आज हमने बात किया कि लिखित परीक्षाएँ क्या होती हैं और लिखित परीक्षाओं में किस किस तरह के प्रश्न होते हैं। तो लिखित परीक्षाओं में विद्यार्थियों 3 तरह के प्रश्न हैं, निबंधात्मक, लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। आप जब भी प्रश्नों का निर्माण करें देख लें कि हमारा कंटेंट क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है और हमारे पास समय कितना है। उन तीनों को देख के विद्यार्थी की आयु, उद्देश्य, समय को देखते हुए आप प्रश्नों का निर्माण करें। प्रश्नों के निर्माण के समय जो भी बातें अभी हमने चर्चा की है उनको ध्यान रखें और जब भी कथन बनाएं वह स्पष्ट बनाएं। एक छोटी 3rd, 4th, 5th के बच्चों के लिए सामान्यतः हम लघुत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग अधिक करते हैं क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न उनको लिखने में उतना आनंद नहीं आता और उतना लिखना उस उम्र के बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता है, तो हम सामान्यतः लघुत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग ज़्यादा कर लेते हैं। इस तरह से आप अपनी सूझबूझ के साथ विषय वस्तु को देखते हुए प्रश्नों का निर्माण करें। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस चर्चा को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चित ही किसी और चर्चा में मिलेंगे, शामिल होंगे। धन्यवाद।